तुम पार्लियामेंट में क्या करना है तुम्हारे को, अरे को दंड क्या नाम सेंगोल स्थापित करने की बात करें ये लोग। अरे इस देश में शासन राजाओं का है क्या, कौन से युग की बात करें। चोल हमारी पूरी जुडिशरी भी, मैं अब क्या शब्द दूँ, एक शब्द प्रचलित हो रहा है पर मैं पता नहीं शब्द मीनिंग हो पाएगा कि नहीं, कि जुडिशरी भी इस देश की मनुवाद का शिकार हो रही है। वो उन्होंने किया था, उसमें भी राष्ट्रपति का इन्वॉल्वमेंट था, उन्होंने गलती की, उन्होंने उद्घाटन भी नहीं करना चाहिए था, और ये तो दोनों काम खुद ही कर रहे हैं। मैं ही ये देश कांग्रेस और बीजेपी की पपोती थोड़ा है क्या, कांग्रेस भी गलत काम किया तो उन्होंने भी गलत किया है, मगर मैंने जो अभी रिसर्च करके ढूंढा तो कम से कम कांग्रेस के उसमें तो शुरू में क्या करते हैं, हवन ववन करके, वो काम तो दोनों राष्ट्रपतियों ने किया था, एक वीवी गिरी ने किया था, उसके बाद इंदिरा ने उद्घाटन किया था, और वो लोगों से न्याय नहीं कर पा रही, वो प्रभावित क्यों होती है, आप रिसर्च करके देख लीजिए, जो प्रभावशाली लोग हैं उनके मुकदमे में वो जज क्या फैसला देता है, और कमजोर आदमी के पक्ष में वही जज क्या फैसला देता है, इस पर रिसर्च होने की जरूरत है। इस देश में बड़ी भयंकर स्थिति है, एक तरह से मैं तो कहूँगा किसी न किसी रूप में आज का जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं ये जुडिशरी को बिल्कुल अपनी पॉकेट में रखना चाहते हैं। देखिए बम बम महाराज ये सारे के सारे हायर्ड महाराज हैं, अब लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश है, अब जो एक्यूज होता है वो किसी तरह भी बचने की सामने वाले पे आरोप लगाने की बातें करते हैं, नो प्रॉब्लम, उनको भी कोई लगता है वो करें, उनको कोई लगता है तो करें, मगर इसको पूरा देश देख रहा है। इस FIR पे क्या हुआ अब तक, कितनी त्वरित गति से, कितना फास्ट गति से एक्शन हुआ, पूरा देश महसूस कर रहा है कि पूरा जिस तरह से कर्नाटक में रिजल्ट आए उससे भी भयंकर रिजल्ट आएंगे। तो FIR के बारे में आप जो कह रहे थे, क्या लग रहा है कि पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई भी है, उसको लेकर के क्या कह रहे हैं? देखिए इसमें तो इवन जज साहब को भी इमीडिएट उनकी गिरफ्तारी की बात करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति है जो गवाहों को डरा सकता है, गवाहों को मैनिपुलेट कर सकता है, मेन कंप्लेनेंट को भी धमका सकता है, उसके परिवार वालों को धमका सकते हैं, ये सारे जो कंप्लेनेंट हैं इनके रिश्तेदार हैं, इन सब के पीछे लोग लगे हुए हैं, सरकारी अमला जमला भी लगा हुआ है इनके पूरा वो करने में, डराने में, ये महसूस कराने में कि बाद में भी तुम्हारा कुछ गड़बड़ हो सकता है, जैसे देश की इनकम टैक्स EDVD जो कर ही रही है, ये लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश दूसरे तरीके से होती है, तो इसी वजह से, और जजों को भी सामने आना चाहिए, मगर देश के जज भी, इसको कहने में कोई दोराय नहीं, जज भी आम आदमी के जब केस में कुछ और व्यवहार होता है, इस तरह के लोगों का केस होता है, इस देश की जुडिशरी का कुछ और तरह का व्यवहार हो जाता है, ये मैं नहीं कह रहा, पूरा देश अनुभव करता है इस बात को, जुडिशरी को इससे बाहर आने की जरूरत है। इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का व्यवहार भी बहुत बार ये देश देखता है कि जो प्रभावी लोग हैं उनकी सुनवाई बहुत जल्दी होती है, जो दूसरे वर्ग हैं, कमज़ोर लोग हैं इस देश के, उनके लिए उनके केसों को टरका दिया जाता है, टरकाने की कोशिश होती है, अदरवाइज तो सुप्रीम कोर्ट में भी इमीडिएट उस वक्त बोल देना चाहिए था चीफ जस्टिस को कि उसको गिरफ्तार करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करिए, क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति है, तब उनको वहाँ से मुकदमे को रेफर करना चाहिए था, वापस क्लोज करना चाहिए था। जब पता है कमज़ोर आदमी है तो जज को पता नहीं क्या कि ये सामने कौन एक्यूज है, किस तरह का मुझे ऑर्डर करना चाहिए, इससे साबित होता है हमारी पूरी जुडिशरी भी, मैं अब क्या शब्द दूँ, एक शब्द प्रचलित हो रहा है पर मैं पता नहीं शब्द मीनिंग हो पाएगा कि नहीं, कि जुडिशरी भी इस देश की मनुवाद का शिकार हो रही है और वो लोगों से न्याय नहीं कर पा रही, वो प्रभावित क्यों होती है, आप रिसर्च करके देख लीजिए, जो प्रभावशाली लोग हैं उनके मुकदमे में वो जज क्या फैसला देता है, और कमज़ोर आदमी के पक्ष में वही जज क्या फैसला देता है, इस पर रिसर्च होने की जरूरत है। इस देश में बड़ी भयंकर स्थिति है, एक तरह से मैं तो कहूँगा किसी न किसी रूप में आज का जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं ये जुडिशरी को बिल्कुल अपनी पॉकेट में रखना चाहते हैं, जैसे मदारी बंदरों को काबू में रखना चाहता है अपना तमाशा दिखाने के लिए। लेकिन क्या लग रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोदी के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, इसलिए शिकायत दर्ज करवाई जा रही है पहलवानों के खिलाफ। अरे लोकतंत्र में मोदी क्या चीज़ है, मोदी के खिलाफ नारे क्यों नहीं लगाए, संविधान बोलने की आज़ादी देता है, अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी देता है, इसमें मोदी क्या है, मोदी और सड़क पे सोने वाले आदमी के बीच में क्या फर्क है, सिर्फ इतना फर्क है वो आज सड़क पे सो रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में सो रहा है, बस और क्या है। प्रदूषण जो है 5 जून को धमकी दे रहे हैं कि संत जो है पूरा देश देखेगा, संत बोलेंगे, ज्यादातर संत तो करप्ट हैं, ज्यादातर संत जेल में नहीं है कि काहे के संत, संतों ने तो बेड़ा गर्क रखे इस देश का, कौन से संत, फ्री में खाने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले, आस्था के केंद्र चला के लोगों को लुंज पुंज करने वाले, काहे के संत, कौन से संत, नकली लोग, अपना घर नहीं चला पाते लोग, उनका नाम आजकल संत है, वही संत
ये संत परंपरा बकवास है इस देश में, इन्होंने लोगों को नपुंसक बना दिया इस देश को। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि संतों की चर्चा हो रही है, बागेश्वर धाम की भी चर्चा हो रही है टीवी पर। क्या वो बागेश्वर धाम है? मैं तो कह रहा हूँ उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू एजुकेशन, सबका अधिकार है। वो राइट टू एजुकेशन क्या है? राइट टू एजुकेशन का मतलब है सही समझ को जरूरत है लोगों को, गुमराह करने वाली समझ की जरूरत नहीं है। वो राइट टू एजुकेशन के खिलाफ काम कर रहा है, ये चमत्कार दिखाने की बाजा कर रहा है। फिर आरोप लगाते हैं क्रिश्चियन मिशनरी पे कि वो चमत्कार करके इस देश का धर्म परिवर्तन करें, ये क्या कर रहे हैं? अरे मैंने तो देखा उसमें किसी मीडिया में कि दिल्ली का MP, वो गाने बजाने वाला, क्या नाम है उसका, हाँ वो उसका ड्राइवर बना हुआ है और पीछे बैठा हुआ है कोई, वो क्या वो तिलक लगा के कौन सा एक मंत्री संतरी है केंद्र में, ये क्या है? ये इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? बेवकूफ मत बनाओ देश में, इन संतों को भी ऐसे लोगों को ढोंगे लोगों को जूते मारेगा ये देश आने वाले दिनों में, ये चौराहे पे पिटते हुए नजर आएंगे। संसद जाने की तैयारी ये लोग भी कर रहे हैं, पहलवान भी, और उधर संसद का बहिष्कार भी कर रहे हैं विपक्षी पार्टियां, क्या लगता है आपको? संसद का तो बहिष्कार का मैं तो कह रहा हूँ 27 तारीख को इस देश का बंद का आह्वान करना चाहिए और देश की जनता से आग्रह करना चाहिए 27 तारीख को 27 मई को कि जो जहाँ पर हैं सब अपने घरों के बाहर सड़कों पे आ जाएं, बस नेशनल हाईवे के पास जो बते वो नेशनल हाईवे पे आ जाए, ये देश पूरा रुक जाए एक बार। क्यों रुक जाए? कि देश का प्राइम मिनिस्टर निरंकुश ता पे आ गया है, डिक्टेटरशिप पे आ गया है, उसको हम क्या कहें? देश में तो कहने लगे हैं कि हिटलर है, कुछ लोग तो इसको कह रहे हैं क्योंकि इनका नाम मोदी है तो मिटलर बोलने लगे, नया नाम दे दिया मिटलर। लेकिन सर इस तरीके से अराजक माहौल नहीं पैदा होगा जिस तरीके से आप लोग बयान देते हैं और उसके बाद कहा भी जाता है इस तरीके के मोदी के खिलाफ लोग आते हैं? मोदी के खिलाफ बोलने से अराजक माहौल कैसे आएगा? अराजकता तो जब होती है जब हम अपने देश की प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं, जब हम लोगों को मारते हैं झगड़ते हैं, ये अराजकता नहीं, ये तो देश असली सरकार जनता है। 130 करोड़ लोग सरकार के होते हैं, शतरंज के असली खिलाड़ी जनता है, ये मोरे हैं सारे, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे मंत्री हो, ये मोरे हैं, मोरे शतरंज के मोरे अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, जनता की मर्जी से काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के नाते क्या कहेंगे? अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, अब क्या क्या रास्ता है, क्यों नहीं FIR दर्ज करे? कह रहे हैं कि जो एक बिहार में एक फैसला आया था उसकी वजह से कि ऐसे मामलों में जिसमें 7 साल से कम की सजा है उसमें इस तरीके का जो है पुलिस की मर्जी चलती है। अरे काहे की मर्जी चलती है? ये सिर्फ इसलिए बिहार के फैसले को दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं दिखा रहे। बड़ी कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट, बिहार की कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है क्या? उसके फैसले नहीं बताए इन्होंने क्या फैसले उसमें? और सीधा सा है, जिस भी केस में ऐसे अपराध में अपराधी को पकड़ना क्यों जरूरी होता है? सिर्फ इसलिए कि वो और अपराध ना कर पाए, वो गवाहों को डरा ना पाए, वो अक्यूज को डरा ना पाए, और इसमें अक्यूज और गवाहों और सबको डराने का काम हो रहा है जिस तरह की वो भाषा बोल रहा है अक्यूज। किस तरीके से आपको लग रहा है कि डराने का काम हो रहा है? अरे वो उसने तो क्या कहा लड़कियों को, क्या बोला उसने, क्या नाम हो सितंबरा, क्या नाम, मंथरा बोला है वो मंथरा, समाज तो उसको पहले ही बोल रहा है दुशासन, समाज तो पहले इनको नाम दे रहा है रामायण और महाभारत के आधार पे, पता नहीं किसको बाइट पे एक दिन बताया भी था ये सारी बातें, पढ़ के सुनाई थी आप लोगों को कि समाज किसको क्या कह रहा है। समाज तो आजकल RSS के मोहन भागवत को शकुनी बोल रहा है, समाज तो इसको प्राइम मिनिस्टर को रावण बोल रहा है, क्या करोगे आप, किसका मुंह पकड़ोगे? लोगों ने रामायण महाभारत देखी, आपने टेलीविजन पर दिखाया उनको, वो टेलीविजन के पात्रों से आपका कंपैरिजन कर रहे हैं, करने का हक भी है उनको इस देश के जो एग्जीक्यूटिव में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री मालिक नहीं इस देश का, अगर राज्य शासन अध्यक्ष भी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है वो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति मेरे को आज खुल के एक बात करनी पड़ेगी, अगर इस देश का राष्ट्रपति ब्राह्मण होता तो किसी मोदी की हिम्मत नहीं थी उसको इग्नोर करते और वहाँ पंडे पुजारियों में बैठ के इसका उद्घाटन करते, वो हवन करके क्या तमाशा किया था। अरे सेकुलर कंट्री में पंडे पुजारियों को बिठाने से काम चलेगा क्या? या तो सभी धर्मों के लोग बैठने चाहिए थे वहाँ पे, क्या है तुम्हारे बाप की बपोती है क्या ये देश, इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? और उसी आदमी की जन्मतिथि पे ये उद्घाटन हो रहा है जो देश का विभाजनकारी, जिसमें विभाजन में हिस्सा लिया, जिनकी मेंटेलिटी देश को विभाजन करने की थी, जो माफ़ी मांगने वाला था, 75% से 80% सेलुलर जेल में पंजाब के लोग थे, कंबाइंड पंजाब के, जिसमें हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान का पंजाब था, और उसमें मेजोरिटी सरदार लोगों की थी, जिन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, तिल तिल करके मर गए वहाँ पर। और ये माफ़ी मांगने वाले लोग, ये पेंशन लेने वाले लोग, उसकी जन्मतिथि पे 28 सितंबर भगत सिंह का जन्म, सावरकर का तो अभी है मई में, सितंबर में सेम डेट में भगत सिंह का, उस पर करिए ना, जिसने माफ़ी नहीं मांगी, जिसके आज भी जिसके उस पर हम कलंकित महसूस नहीं करते,
जिसने जान दे दी, और जो पूरे देश की एकता का सूचक था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वो जाति पाति की बात ही नहीं करता था। आप क्या कर रहे हो? लेकिन कांग्रेस के राज में भी ऐसा हो चुका कई बार ना कि जो है ये इस तरीके के जो है उद्घाटन और शिलान्यास सोनिया गांधी जी भी की। हाँ, ये देश कांग्रेस और बीजेपी की बपोती थोड़ा है। क्या कांग्रेस भी गलत काम किया तो उन्होंने भी गलत किया है, मगर मैंने जो अभी रिसर्च करके ढूंढा तो कम से कम कांग्रेस के उसमें तो शुरू में क्या करते हैं, हवन ववन करके, वो काम तो दोनों राष्ट्रपतियों ने किया था, एक वीवी गिरी ने किया था, उसके बाद इंदिरा ने उद्घाटन किया था और वो भी एनएक्सी थी, और एक ने किसी ने राजीव गांधी ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, तो उसमें अपने राष्ट्रपति वेंकट रमन क्या थे उन्होंने किया था शुरू में, वो जो क्या नींव का पत्थर रखते हैं जो भी रखते हैं वो उन्होंने किया था, उसमें भी राष्ट्रपति का इन्वॉल्वमेंट था। उन्होंने गलती की, उन्होंने उद्घाटन भी नहीं करना चाहिए था, और ये तो दोनों काम खुद ही कर रहे हैं। मैं ही मैं इस देश की संस्कृति है तू ही तू, यानी ईश्वर या सुपर पावर को भी आपका है सब कुछ। लेकिन उस दिन महिलाएं कह रही महापंचायत करेंगे संसद भवन में यहां से पहलवान जाके। किसी को भी करने कहा क्या, देश की पार्लियामेंट देखने कहा क्या, उसके चारों तरफ जाके उसका मुआयना करने का अधिकार, उसके बाहर बैठने का अधिकार है, क्या दिक्कत है? शांतिपूर्वक तरीके से देश का आदमी कोई भी कहीं भी जाने का उसको फ्रीडम है, इधर उधर टहलने की क्या दिक्कत है? यही दिखाएंगे ना तुम पार्लियामेंट में क्या करना है तुम्हारे को, अरे को दंड क्या नाम सेंगोल स्थापित करने की बात कर रहे हैं ये लोग। अरे इस देश में शासन राजाओं का है क्या? कौन से युग की बात करें, चोल साम्राज्य, ये सब साउथ में इनका सफाया हो गया इसलिए इनको चोल साम्राज्य याद आ गया। और वो दंड क्या होता है भाई, पहले क्या था बेवकूफ़ ज़माने में, हमारे पूर्वजों के ज़माने में, कि राजा भगवान का प्रतिनिधि है, वो लोगों को काबू में रखेगा, दंड देगा ताकि लोग व्यवस्थित रह सके। और वो राजा क्या करते थे, बदमाश लोग, सैकड़ों हजारों रानियां रखते थे, वो खुद अपराधी लोग थे, वो हमारे पूर्वज हो सकते हैं पर उनका गलत काम था ये। अब उस दंड को यहाँ स्थापित कर रहे हैं, उस दंड पे क्या है भाई बता रहे, एक वो है एक कोई बैल बैठा उस दंड पे, बैल, अरे बैल खेत में खेती करता है, उसको बैल खेती करते हुए हल, नंदी महाराज बता रहे हैं। कौन सा नंदी महाराज यार, हमारे किसी ने थोपने की कोशिश की, हम नंदी को नहीं जानते, हम बैल को जानते हैं जो खेत में काम करता है और सेवा करता है, उत्पादन करने में सहयोगी है। तो ये और कुछ नहीं है, ये मनुवाद की स्थापना की कोशिश है देश में, मनुवाद को स्थापना की कोशिश है पार्लियामेंट के अंदर। ये फ्यूचर में आज बेशक ये जबरदस्ती कर लो, फ्यूचर में वो दंड भी बाहर जाएगा और वो ये जो सेंगोल है उखाड़ फेंकेगी देश की जनता। ये इट विल हैपन। क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से जनता मंडल? जुटे रहो, देश आपके साथ है, और ऐसी ऐसी सरकारें आई गई बहुत, इनको झुकना पड़ेगा। इंदिरा गांधी को तो बहुत जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर मानते थे ना लोग, उसकी सरकार कैसे हटाई थी लोगों ने, और बाद में जब उनसे सरकार नहीं चली फिर उसको ले आए। ये देश कितना लिबरल है, अपने लोगों की गलतियों को माफ़ करता है। भाई तुम कानून के सामने आ जाओ वैसे एक बार, ये देश किसी को मारना नहीं चाहता, यहाँ तो हत्यारों को भी माफ़ करते हैं, मगर यहाँ तो इस देश को रोष जब आता है कि धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे किसी का तो आप एनकाउंटर कर देते हो, किसी को आप पुलिस के अंदर ही मार देते हो। हमें अपराधियों से सहानुभूति नहीं है, परंतु पुलिस की कस्टडी में भी जो लोग कानून का सामना कर रहे हैं उनकी हत्याएं करवा दी जा रही हैं, इससे पूरा देश नाराज है। तुमने कौन था यूपी में जो मुस्लिम है, बिल्कुल अन्याय हुआ है, लानत है ऐसी पुलिस पे, ऐसे चीफ मिनिस्टर पे, ऐसी सरकार पे। हमारी पुलिस के अंदर रहे वो आदमी को जो कानून का सामना कर रहा है, करने के लिए तैयार है, उसको आप मारते हैं तो क्या है ये? हमारे यहाँ तो महात्मा बुद्ध का वो है कि हंस किसका, जो जान बचाएगा हंस उसका। थैंक यू।